सांख्यिकी सर्वेक्षण के तहत हमीरपुर में 4 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से 60 कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें गणना के लिए पूरी तरह से परिपक्व बनाने के लिए प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है। सम्मेलन में क्षेत्रीय सांख्यिकी मुख्यालय नई दिल्ली के उप महानिदेशक, क्षेत्रीय प्रमुख, उप महानिदेशक BBS नेगी, उप निदेशक व राज्य सरकार के आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग से एस के विष्ट, उप निदेशक प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी एवं प्रभारी PC डोगरा ने बताया कि कार्यशाला में क्षेत्रीय कार्यालय शिमला व उनके अंतर्गत आने वाले तीनों उप क्षेत्रीय कार्यालयों हमीरपुर, धर्मशाला एवं मंडी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले और दूसरे दिन भूमि पशुधन धारिता एवं कृषक परिवारों की स्थिति के आंकलन तथा तीसरे दिन समय उपयोग सर्वेक्षण की रूपरेखा पर विस्तृत जानकारी दी गई। गौरतलब है कि सर्वेक्षण की विधि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक तय की गई है। केंद्रीय सैंपल में ग्रामीण व शहरी को मिलाकर 92 प्रतिदेशों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसी तरह राज्य सरकार का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भी 92 प्रतिदेशों पर सर्वे का कार्य सम्पन्न करेगा। सर्वे में प्राप्त आंकड़े कृषि परिवारों की स्थिति, ऋण एवं निवेश तथा समय उपयोग सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े समय की उपयोगिता की स्थिति का आंकलन करने में सहायक होंगे। आज का जो कार्यक्रम है, ये NSSO द्वारा संपन्न किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए आयोजित है। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम जो है समाज आर्थिक सर्वेक्षणों की श्रृंखला के तहत 77वें दौर के प्रशिक्षण शिविर के रूप में आयोजित है। यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के सभी अधिकारी और कर्मचारी जो कि सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं उपस्थित हैं। इसमें हम विशेषकर दो तरह के सर्वेक्षण पे चर्चा करेंगे। पहला है लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स। इसके साथ डेट एंड इन्वेस्टमेंट, कर्ज और निवेश के ऊपर भी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम जो है जनवरी 19 से स्टार्ट होकर के और दिसंबर 19 तक एक वर्ष तक चलेगा। और इसी के साथ तीसरे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय उपयोगिता सर्वेक्षण के ऊपर भी, जो कि प्रथम बार आयोजित किया जा रहा है, इसमें चर्चा होगी। भारतवर्ष में जो लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग का सर्वे है, इसके कुल 10,000 सैंपल्स कवर किए जाएंगे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश के अंदर 92 सैंपल आयोजित होंगे, जिनमें से 66 ग्रामीण क्षेत्रों में और 26 शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। और इस कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि गुणवत्तापूर्ण आंकड़े एकत्रित करने में मदद मिल सके, जो कि नीति निर्धारण में सरकार के काम आएंगे। सर, कितने कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे? इस कार्यक्रम में करीब 60-65 कर्मचारी भाग ले रहे हैं और केंद्र सरकार के क्षेत्र संकाय प्रभाग के कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।